हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं रमन मिश्रा। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं यूपी ट्रिपल एससी की एक नई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके संबंध में आपसे बातचीत के लिए। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए सारी इन्फॉर्मेशन वो जानने के लिए कि चकबंदी लेखपाल की जो अभी नई वैकेंसी घोषित हुई है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, इस वैकेंसी में आपसे उन सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा कि जो आपके सामने एक तरीके से अभी जिज्ञासा बनी है कि इसमें एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, सारी चीजें आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ चीजों पर अभी जो संशय बरकरार है हम उसका निराकरण यहाँ करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितनी है। जो ये वैकेंसी है इसका पदनाम है आपकी चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल ये 2000 पे ग्रेड की जॉब है आपकी। इसमें इस बार जो यूपी ट्रिपल एससी ने पदों की संख्या घोषित किया है दोस्तों, ये कुल मिलाकर 1364 सीटों के लिए आवेदन आपसे मांगे गए हैं। 1364 सीटों में अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए यानी योग्यता होनी चाहिए, ये कक्षा 12 पास मांगा है, इंटरमीडिएट पास, वो भी किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए। ठीक है, ये संशय आपके मन में ना रहे। और इसमें दूसरी चीज जो अभी तक यूपी ट्रिपल सी कंप्यूटर में जो एक मांगता था आपका सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को इस बार उसने नहीं मांगा है। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें जो कुल पदों की संख्या 1364 है, इनमें 362 पद एससी कैटेगरी के लिए रखे गए हैं और बाकी बचे जो 1002 पोस्ट हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी में है, यानी ये अनारक्षित वर्ग में आते हैं। यानी इन सीटों पर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, चाहे जिस मतलब वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल हैं, चाहे आप जो है एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं, आप सारे लोग फाइटिंग करेंगे अनरिजर्व की सीटों में जो कि 1002 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं इनमें रजिस्ट्रेशन आपका 6 मार्च से स्टार्ट है, ये जरूर ध्यान रखिए। 6 मार्च से पेमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, 6 मार्च से रजिस्ट्रेशन भी शुरू है। और जो अंतिम तिथि है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि इसकी अंतिम तिथि रजिस्ट्रेशन की या ऑनलाइन पेमेंट करने की, ये अंतिम तिथि 1 महीने यानी 5 अप्रैल तक है, 5 अप्रैल 2019 तक है। 6 मार्च से ये फॉर्म भरना शुरू है, इन दोनों चीजों को ध्यान रखें। और एक बात और, अगर फॉर्म में कोई त्रुटि हो जा रही, कोई आपसे मिस्टेक हो जा रही, तो केवल एक बार आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है ये आपकी 12 अप्रैल तक है संशोधन करने की लास्ट डेट। अगर कोई गलती आपसे हो जा रही है तो उसमें आप 12 अप्रैल तक संशोधन कर सकते हैं। हालांकि पेमेंट की लास्ट डेट याद रखें आपकी सिर्फ 5 अप्रैल तक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आरक्षण की। बहुत सारे इस बार प्रोसेस है, कई ऐसी चीजें आई हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण इस बार है, 272 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। दूसरी बात, जो स्वतंत्रता संग्रामी के आश्रित हैं यानी उनके पुत्र हैं या पौत्र हैं, इनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। 27 सीटें ऐसे लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं जो स्वतंत्रता संग्रामी के कहीं ना कहीं आश्रित हैं। अगली चीज अगर बात करें, तीसरा जो आरक्षण दिया गया है ये विकलांगों के लिए आरक्षण है। विकलांगों के लिए 54 सीटें इस बार फिक्स की गई हैं इस वैकेंसी में। और इससे आगे हम बात करें तो भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं आपके, जो रिटायर हो चुके होते हैं आर्मी से अपने जितनी उनका सेवाकाल होता है, उसके बाद अगर किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो उन्हें आरक्षण मिलता ही मिलता है। यूपी ट्रिपल एससी ने चकबंदी लेखपाल में उनके लिए 68 सीटें रिजर्व की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगली हम बात करें इसमें ईडब्ल्यूएस सिस्टम, इकोनॉमिकली बैकवर्ड आपके आते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए भी आरक्षण की का प्रावधान किया गया है। यानी ईडब्ल्यूएस सिस्टम एक ऐसा आपका सिस्टम है जिसके तहत 10% सीट जो सीट होती है, जो भी वैकेंसी निकल रही उसमें 10% का आरक्षण उन लोगों को दिया जा रहा है जो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं बैकवर्ड है, यानी जो आर्थिक रूप से आपके कहीं ना कहीं गरीब है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या सिस्टम है, सबसे बड़ी चीज तो यही चुनौती है। अभी यूपीएससी का जैसे फॉर्म आया ईडब्ल्यूएस को लेकर, बहुत सारे लोग कई तरीके के सवाल हमसे पूछ रहे थे। इनमें क्या है, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है वो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें क्या आपसे मांगा है, जैसे एक चीज बहुत सटीक आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी आरक्षण का जो है लाभ उठाना चाह रहे, चाहे आप विकलांग का, चाहे स्वतंत्रता संग्रामी या ईडब्ल्यूएस, तो जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले ही बना सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। इसमें कोई संशय बरकरार नहीं होना चाहिए कि क्या हम इसके बाद अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके बाद बनवाते हैं, नहीं,
उसने साफ साफ विज्ञप्ति में ये लिख दिया है कि जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि से पहले बना प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा। तो ईडब्ल्यूएस अगर आप सर्टिफिकेट उसमें सिस्टम में आ रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट अभी बनवा सकते हैं, क्योंकि 5 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ईडब्ल्यूएस में बताएं कैसे ये बनेगा, कई लोगों का आपका सवाल होगा। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस में दो प्रकार के सर्टिफिकेट आते हैं, एक तो आपकी फैमिली इनकम की और दूसरी आती है जो आपकी फैमिली की परिसंपत्तियां हैं, यानी चल और अचल। क्योंकि जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसे सभी स्रोतों से प्राप्त आय मांगी जाती है, यानी जो अचल संपत्ति है, जमीन और इन सब का विवरण होना चाहिए, और परिवार की जो इनकम है वो दोनों मिला के 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसमें एक शासनादेश आया था, आपको ध्यान होगा, 18 फरवरी 2019 को शासन के द्वारा एक आदेश दिया गया, उसमें ये वर्णित है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से पात्र होंगे। तो उस चीजों को आप देखें, और ईडब्ल्यूएस तहसीलदार आपका बनाता है, आपके लिए जो तहसील के लेवल का तहसीलदार होगा वो ये सर्टिफिकेट आपका बनाएगा। दो सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं, एक तो आपका कि 8 लाख रुपए से कम इनकम है हमारी सभी सारी स्रोतों से, और दूसरी परिसंपत्तियों यानी चल और अचल संपत्ति दोनों आएगी इसमें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैंने कहा था कि आयु में अगर हम बात करें, आयु में किसको कितनी छूट दी गई है, तो जो उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ी हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, यानी 18 से 40 वर्ष की एज मांगी गई है, इसके बीच में होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर कोई कुशल खिलाड़ी का सर्टिफिकेट रखता है तो उसको 5 वर्ष की छूट है। जो भूतपूर्व सैनिक है इनको 3 वर्ष की छूट दी गई है, और जो विकलांग जन है इनको 15 साल की छूट दी गई है इस वैकेंसी में। आगे हम बात करते हैं कि इसमें परीक्षा पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। सबसे बड़ी चीज यही होगी, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि आयोग ने साफ तौर पर यह नहीं स्पष्ट किया है कि ये जो भर्ती होने जा रही है इसमें 2 स्टेज होगा या 1 स्टेज होगा। हालांकि 2015 में इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें सिंगल स्टेज और उसके बाद इंटरव्यू था, तो इसमें इंटरव्यू चूंकि अब रह नहीं गया है, तो जाहिर सी बात है आयोग ने यह लिखा है, जैसा कि अभी इससे पहले जो लोअर की वैकेंसी आई उसमें भी उसने ये लिखा था कि अभ्यर्थियों की संख्या यदि ज्यादा होती है तो शासन कोई भी निर्णय ले सकता है इस परिप्रेक्ष्य में कि वो कैसे उसकी मुख्य परीक्षा कराए या केवल एक परीक्षा करा के ही फाइनल रिजल्ट दे सकता है। अभी युवा विकास का भी रिजल्ट आया, युवा कल्याण विकास दल अधिकारी, उसमें आपने देखा कि ऊपर से जितने लोगों के मार्क्स अच्छे थे उन्हीं को उसने बुला लिया, तो हो सकता है ये प्रक्रिया अपनाए जरूर। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहें कि आपके पास एक ही मौका है परीक्षा में दमखम। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा, बहुत अच्छी चीज है। पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करें तो पैटर्न के बारे में बातचीत हो गई कि आप सिंगल स्टेज अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं, यानी आपकी पूरी तैयारी पूरी जी जान से होनी चाहिए, यानी आप पूरी मेहनत लगा दें इसमें, पूरी ऊर्जा अपनी भर दें कि हमें इस परीक्षा में कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर लेना है, एक सीट मुझे चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो दोस्तों आपको याद होगा आयोग ने 2015 में एक वैकेंसी कराई थी जो 11 मई 2015 के उसमें परिपेक्ष में था। इस पेपर में यह चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन का पेपर था, इसमें जब आयोग ने ये पेपर करवाया था तो उसमें साफ साफ उसने कितने नंबर आप क्वेश्चन पूछे थे, 160 नंबर का ये प्रश्न पत्र आया था, 160 क्वेश्चन का प्रश्न पत्र आया था, चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ था, जिस डेट में उसने बाकायदा प्रक्रिया में लिख रखा है कमेंट, मैं उसी के माध्यम से आपसे आपको बता रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करें, आप आगे की ओर बढ़ें। उसमें अगर हम देखें कि 160 क्वेश्चन जो आए थे, उन 160 में मैं आपसे बात करता हूं कि कौन कौन से किस किस सब्जेक्ट से हमारे प्रश्न थे, तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछा था हिंदी के प्रश्न, 40 प्रश्न हिंदी से आए थे, 40 प्रश्न इसमें मैथ से थे, और जो 40 प्रश्न थे ये सामान्य ज्ञान से पूछे गए थे, बाकी बचे जो 40 प्रश्न थे ये ग्रामीण क्षेत्रों से विनिर्दिष्ट, ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे गए थे। 160 क्वेश्चन आए थे उस बार चकबंदी लेखपाल में। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पाठ्यक्रम होगा उसमें हिंदी शामिल है, गणित शामिल है, सामान्य ज्ञान शामिल है, और ग्रामीण क्षेत्रों से भी निर्दिष्ट जो सवाल होते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ऐसे सवाल भी आपसे पूछेगा। तो 4 चीजों पर आपको फोकस होना है, एक तो हिंदी, दूसरा आप मैथ अच्छी करें, अच्छी मैथ पूछा था इसमें, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण क्षेत्रों से विनिर्दिष्ट। अब दोस्तों हम इसमें बात करते हैं, कई अभी कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा हमसे कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही, थोड़ा सी हमारी टीम की व्यस्तता की वजह से हम आपके लिए मंडी परिषद की टेस्ट सीरीज उतार रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, और कुछ ग्रुप्स चल रहे हैं जो नीचे आपको लिंक में क्लिक जो है
डाला जाएगा। उन ग्रुप्स को आप फेसबुक पर जोड़कर आप टेस्ट सीरीज लोवर का देख सकते हैं। उन लोवर की टेस्ट सीरीज के लिए हमने एक वीडियो भी शूट किया है कि उनके सोल्यूशन के लिए आपको ना देखना पड़े, यानी मंडी परिषद की जो टेस्ट सीरीज थी, अभी लोवर की टेस्ट सीरीज भी आपको कुछ दिनों में मिलेगी और चकबंदी लेखपाल से भी संबंधित आपको हम टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएंगे, उनका वीडियो सोल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। बस आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करते रहें, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं कमेंट के माध्यम से आप हमसे जरूर पूछें, उसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि कोई भी नया वीडियो हो तो आपको अपडेट मिल जाए। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।